क्यों महर्षि स्वामी दयानंद जी ने महापुरुषों के श्रेष्ठ जीवन चरित्र पर बल दिया, जिस श्री कृष्ण के नाम पर आज सबसे ज्यादा समाज में अराजकता देखने को मिलती है। महाभारत के उस युद्ध के समय को याद कर लेना जिस भूमि पर आप बैठे हैं। निवेदन करते हुए चलूंगी, प्रसंग आता है कर्ण और अर्जुन के युद्ध का। रथ का पहिया जब रेत में धंसता है तो कर्ण धर्म की दुहाई देता है, जैसे आजकल लोग करते हैं कि जब सामने वाले पर पड़े तो महसूस नहीं होता और जब स्वयं पर आकर के पड़े तो बोलो तब उनको दुख महसूस होता है। मैं निवेदन कर रही थी आपके समक्ष, जरा सुनिएगा। चर्चा कर रही थी जब कर्ण के रथ का पहिया रेत में धंसा। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, ये आज यज्ञ के लिए नया पेटीएम बना है, जो कोई यूज करता है वो इसका मुहूर्त कर दे। मैं करती नहीं तो मैं ही कर देती, ठीक है ना? मैं फोन का कम ही यूज करती हूँ। कोई नौजवान भाई जिसके भी हृदय में इच्छा हो यज्ञ के प्रति, तो आइए, अभी ऐसे ही चलता रहेगा। खैर, मैं चर्चा कर रही थी आपके समक्ष, जरा सुनिएगा। जब कर्ण के रथ का पहिया रेत में धंसा तो कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ठहरो, मेरे रथ का पहिया रेत में धस चुका है, मुझे निकाल लेने दे। और याद रखना कर्ण, अर्जुन, यदि तूने मेरे ऊपर निहत्ते पर वार किया तो महाभारत के युद्ध में यह लड़ाई अधर्म की कही जाएगी। और बस इतना कहना था, बेचारा अर्जुन रुक गया। जब अर्जुन रुका तो योगिराज श्री कृष्ण, जिसको केवल और केवल पर्दे पर नचकैया ही बताया गया है, ध्यान से सुनना, क्या नाम है भाई का, हमारे भ्राता श्री संजीव रघुवंशी जी इस पेटीएम का मुहूर्त कर रहे हैं, यज्ञ के लिए कुछ राशि देकर के गए हैं। एक बार तालियों से आप उनका सम्मान कर देंगे, क्योंकि भाई इसका भी जमाना है तो सहारा लेना ही पड़ गया। खैर, मैं निवेदन कर रही थी, जब ये बात कही, जिस श्री कृष्ण महाराज को लोगों ने केवल और केवल नचनिया बनाया है पर्दे पर, और हिंदू जाति तुझे समझ नहीं आता ये एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र, जिन भुजाओं में कभी शस्त्र हुआ करते थे, अस्त्र हुआ करते थे, आज उन भुजाओं को केवल नाचने के लिए उठवा दिया है। आप चाहे सत्संग में चले जाओ, शादी में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आपको नाचने के अलावा बोलो और कुछ करने की आवश्यकता, अरे बोलो, नहीं है, केवल नाचना है। नहीं नाचोगे तो बोल दो माता रानी रुष्ट हो जाएगी, फिर जगराते का कोई लाभ नहीं। पर याद रख, तेरे पूर्वजों को पढ़कर के देखना, तेरा जन्म संसार में नाचने के लिए नहीं हुआ, नचाने के लिए हुआ था, पर आज तूने नाचना प्रारंभ कर दिया, इसलिए पतन हो गया, परिवार टूट गए, संस्कार टूट गए और संसार टूट गए। यही कारण है तेरे पास बुद्धि की कमी नहीं है, बल की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, चरित्र की कमी नहीं है, फिर भी विदेशी तेरे ऊपर शासन कर रहा है, क्योंकि तूने आज नाचना शुरू कर दिया है, नचाना बंद कर दिया है। मैं निवेदन कर रही थी, जिस योगी राज श्री कृष्ण को सबसे बड़ी जिम्मेदारी लिए इन पर्दे वालों ने, इन्होंने ठेका ले रखा है। आपने फिल्म देखी होगी बाजीराव मस्तानी के नाम से, पेशवा बाजीराव को आप अगर पढ़ोगे ना लोगों, तो पढ़कर के देखना, पेशवा बाजीराव ने 40 युद्ध किए थे और इतना बहादुर था वो वीर, उसने
जीवन के 40 के 40 युद्ध जीते थे, पर ये नहीं दिखाया। क्या दिखाया? कि एक नाचने वाली के चक्कर में अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, ये दिखाया। जबकि यह मेरी संस्कृति नहीं। और कह दूं, प्रेम में और वासना में अंतर होता है। प्रेम पवित्र होता है, प्रेम तो माँ और बेटे का भी होता है, प्रेम तो बहन और भाई में भी होता है, अरे प्रेम तो राजा और प्रजा में भी होता है, प्रेम गुरु और शिष्य में भी होता है, प्रेम पति और पत्नी में भी होता है। पर याद रखना, इन प्रेम के बीच में वासना का कोई अस्तित्व, बोल तो दो एक बार, नहीं है। यहाँ मेरे देश की वो वीरांगना जिसने एक नहीं दो दो बार खिलजी के खेमे से निकाल करके अपने पति की रक्षा की हो, उस बहादुर, उस वीरांगना, उस नारी के चरित्र पर उंगली उठा करके खिलजी की वासना को पद्मिनी का प्रेम घोषित कर दिया पर्दे पर। मैं निवेदन कर दूं, यदि इतिहास को पढ़ोगे तो पता चलेगा, अरे जब बौखलाया हुआ खिलजी, वासना से पीड़ित खिलजी भाग करके दौड़ करके गया था ना अंदर, तो वहां पर अग्नि कुंड में अग्नि जल रही थी धाए धाए करके। एक बूढ़ी स्त्री बैठी, वो खिलजी पूछता है बूढ़ी माँ से, ए बुढ़िया कहाँ है पद्मिनी? माँ ने धरती से रेत उठा करके मिट्टी को हवा में उड़ा दिया। खिलजी समझ गया, इतना कह करके बूढ़ी माँ भी अग्नि कुंड में कूद जाती है। सुन लेना, ये था चरित्र। खिलजी बौखलाया हुआ देख रहा है बाएं और दाएं, जाकर के देखा दीवार पर कुछ लिख करके गई थी मेरे देश की नारी। और जो समझते हैं ना कि खिलजी का प्रेम था, पवित्र था, आजकल रोग रावण को भी पवित्र बताने लगे हैं, मैं बाद में चर्चा करूंगी। मैं निवेदन कर दूं आपके समक्ष, जब उस खिलजी ने देखा तो मेरे देश की नारी लिख करके गई थी, अरे सुनकर के संदेश अलाउद्दीन बादशाह का, ये पद्मिनी के लोचनों में छाई अरुणाई है, मारे मारे जोश जोश के फुंकार उठी नागिन सी, नीच ये क्या मन में समाई है, वीर अक्षतराणी उसी वंश की हूँ मैं, वीरता जिसकी परंपरा में छाई है, और सात जन्म में भी तू पद्मिनी को पा नहीं सकता, क्योंकि शेर की खुराक कभी कुत्ते ने नहीं खाई है, और पद्मिनी जैसी सूरत को तू खिलजी पा नहीं सकता, और ये भोजन है शेर का, बोल दो ये तू कुत्ता खा नहीं सकता। ये था चरित्र जिसकी, जिस वासना को प्रेम बताया है, प्रेम डूब करके मर जाए, ये प्रेम को, वासना को प्रेम का नाम देने वाले। मैंने कहा इन शब्दों का गलत अर्थ ले लेकर के मेरी युवा पीढ़ी को भटकाया जा रहा है। मेरी युवा पीढ़ी समझती है पुराने लोग बेकारे थे, उनको कुछ नहीं आता था। मैं पूछना चाहती हूँ, जब हवाई जहाज अंग्रेजों ने दिया, ऐसा ही कहते हैं ना लोग, जब हवाई जहाज अंग्रेजों ने दिया तो फिर यहाँ पर विमान शब्द आया कहाँ से? ये तो संस्कृत का शब्द है। हाँ ताला मेरी परंपरा नहीं, कोई बता तो दे ताले शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं? ना ताला भारत में लगता था और ना संस्कृत के शब्दकोश में, बोलो ताला शब्द दिखाई देता है। तलाक मेरी परंपरा नहीं, आप जरा बता तो दो कि तलाक को संस्कृत में कहते क्या है? मैं पूछती हूँ, जब फोन अंग्रेजों ने दिया तो फिर यहाँ पर दूर संचार शब्द आया कैसे? कभी अपने आप, अपने गौरव पर, अपने अतीत पर गर्व कर लिया करो, हीन भावना से मत रहा करो कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो हमें तो खाना पीना भी नहीं आता। मेरा अतीत तो गर्व से भरा पड़ा है। मैं निवेदन कर दूं आपके समक्ष, ये ठेका ले रखा है लोगों ने,
असली हीरो को हीरो नहीं कहते और नकली हीरो को हीरो बनाते हैं। पर मैं चर्चा कर रही थी उस योगीराज श्री कृष्ण महाराज की। आकर के जिसे केवल नचनिया चोर माखन चोर, जिसके घर में 9 लाख गम्मे हो, भला उसे पड़ोसी के घर से माखन चुराने की क्या जरूरत है। कभी चिंतन कर लिया करो, जो इतना सम्मान करता हो नारी का। निवेदन कर दूं, चर्चा करते हुए चलती हूँ, एक भी तो बुराई नहीं छोड़ी। और आज आपके बच्चे, अपने आप को हिंदू कहने वाले, ध्यान से सुना, आपके बच्चे अदालत में खड़े होकर जज से पूछते हैं, जब जज कहता है लिव इन रिलेशनशिप मेरे देश की संस्कृति नहीं है। जानते होंगे इस बीमारी को, शादी करनी नहीं है, अपनी मर्जी से रहो पति पत्नी की तरह, और जब मन भर जाए तो छोड़ करके चले जाओ। उतार चढ़ाव तो आते हैं ना गृहस्थ में, अब गृहस्थी बन गए तो फिर उतार चढ़ाव तो सहना पड़ेगा, दुख भी सहना पड़ेगा, सुख भी सहना पड़ेगा, गृहस्थी तो बनना नहीं। जब जज ने कहा यह मेरी संस्कृति नहीं, तो आपके बच्चे कहते हैं जब राधा और कृष्ण लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते। अरे जज के पास उत्तर नहीं था लोगों, महाभारत नहीं पढ़ी थी, भागवत पढ़ी थी। अगर महाभारत को पढ़ लिया होता तो उत्तर दे दिया होता, पर पाखंडियों ने तो षड्यंत्र सोच समझ करके किया। बोले भाई घर में महाभारत मत रख लेना, ऐसा कहते हैं ना। क्यों? बोले महाभारत घर में रखने से महाभारत हो जाती है घर में। जानते थे यदि महाभारत को पढ़ लिया तो फिर दुनिया में कोई हराने वाला नहीं। मैं पूछती हूँ, जब रामायण घर में रखने से ये भरत और राम नहीं बने, रामायण घर में रखने से ये सास कौशल्या और बहू सीता नहीं बनी, तो फिर महाभारत रखने से महाभारत कैसे हो सकती है? कोई पाखंडियों से जरा पूछो तो सही जा करके। पर मुसाफिर जी ने बड़े दर्द के साथ लिखा, गैरत है घर नौजवानों के खून उबल जाते, अरे गैरत है घर नौजवानों के खून उबल जाते, मैदान में जाकर के मर्दों की तरह मचल जाते। कुछ तो बात है मुसाफिर, ये हिंदू नहीं पिघलता, वरना तेरी आहों से तो पत्थर भी पिघल जाते, वरना तेरी आहों से तो पत्थर भी पिघल जाते। बोले जी ठीक है, आर्य समाजियों का तो काम ही यही होता है, ऐसा ही प्रचार होता है। इन्होंने कह दिया, हमने सुन लिया, बात खत्म हो गई। पंडित शोभाराम प्रेमी जी कहते थे, लगा एक रोग जाति को बचाना किसके बस का है, और हमें कहने की आदत है लोगों, इनको सुनने का चस्का है, बस हो गई बात खत्म। पर मैं चर्चा कर रही थी, वहां पर कहते हैं योगीराज श्री कृष्ण अर्जुन, जरा पूछ तो ले करण को धर्म की याद आज आ कैसे रही है। करण अच्छा था, मित्र अच्छा था, पर मित्र का कर्तव्य होता है अपने मित्र को सही मार्ग दिखाए। करण ने दुर्योधन को सही मार्ग नहीं दिखाया और समझा करके खड़ा कर दिया अर्जुन को, चल खड़ा हो जा, पूछ ले करण से। अब अर्जुन कहता है, करण सुन ले, क्या हे झूठ कपट छल पई मन से, वो तने अब तक करी लड़ाई, मरती परिया वीर करण तने याद धर्म की आई, ओ झूठ
कपट छल बेमने से अब तक करी लड़ाई। मरती बरिया वीर करण तने याद धर्म की आई। ओ झूठ कपट छल बेमने ₹100 दे करके हमारा सम्मान करके गए हैं, आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। और सुनिएगा, याद दिलाई जा रही है वो घटनाएं। और क्या कह दिया, क्या उस दिन को भूल गए जब भीम को जहर दिया था। क्या उस दिन को भूल गए जब भीम को जहर दिया था। लाश फेंक दी थी गंगा में, कितना पाप किया था। लाश फेंक दी थी गंगा में, कितना पाप किया था। चारों भाइयों ने रो रो के, चारों भाइयों ने रो रो के सब्र का घूट पिया था। उस ईश्वर की दया हुई फिर भाई भीम जिया था। उस ईश्वर की दया हुई फिर भाई भीम जिया। उस दिन धर्म को भूल गया रे, उस दिन धर्म को भूल गया आप, देवे धर्म दुहाई। ओ हो झूठ कपट छल बेमने से अब तक करी लड़ाई। मरती परिया वीर करण तने याद धर्म दूसरी बार भी गलती खाई है। एक बार नहीं, कदम कदम पर धर्म की हानि की गई है। और क्या बरनावे में चाल चली, एक लाख का भवन बनाया। पांचों भाई भेज दिए वहां, मौत का जाल बिछा। पांचो भाई भेज दिए वहां, मौत का जाल बिछाया। आधी रात प्रोचन ने उस, आधी रात प्रोचन ने उस महल में आग लगाया। हसनापुर में पहुंच गया था, सारा महल जलाया। हस्तनापुर में पहुंच गया था, सारा महल जलाया। उस दिन धर्म को नहीं रे बिचारा, उस दिन धर्म को नहीं बिचारा, महल में आग लगाई। ओ हो झूठ कपट छल बेमने से अब तक करी लड़ाई। मरती परिया वीर करण तने या धर्म की आई। ओ हस्तनापुर में चाल चली, एक हस्तनापुर में एक रोज जब सभा लगी तिवारी। इंद्रप्रस्थ से धर्म बुला के
चाल चली थी न्यारी, इंद्रप्रस्थ से धर्म बुला के चाल चली थी न्यारी। जो सर सार बिछा सकुनी ने, जो सर सार बिछा सकुनी ने, छल से बाजी रे मारी, पंचो भाई जीत लिए और साथ द्रुपद नारी, पंचो भाई जीत लिए और साथ द्रौपद नारी। उस दिन धर्म को नहीं रे बिचारा, उस दिन धर्म को नहीं बिचारा, सभा में सती बुलाई, हो झूठ कपट छल पई मन से अब तक कर लड़ाई। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, करण याद कर ले क्या कह दिया। कल परसों की बात आपने, कल परसों की बात आपने, कोन्या धर्म बिचारा साथ ने मिल के अभिमन्यु कर के निहत्था मारा। उस बालक की हत्या इबियो, उस बालक की हत्या इबियो, नाश कर गिर थारा, मेरे कर से छूट रहा अब तीक्ष्ण बाण कटारा, मेरे कर से छूट रहा अब तीक्ष्ण बाण कटारा। लक्ष्मण सिंह बेमोल करण ने, लक्ष्मण सिंह बेमोल करण ने, लगते घिरणी खाई, ओ झूठ कपट छल बेईमानी से अब तक कर लड़ाई। मरती परिया वीर करण तने या धर्म की आई, ओ झूठ कपट छल बेईमानी से अब तक कर लड़ाई। ये थे ऋषिवर देव दयानंद के मंतव्य, उन महापुरुषों का सम्मान करें जिन्होंने धर्म की सही परिभाषा दी। बस आगे